जिले में एक दर्जन से अधिक ग्रामों में किसानों की फसलों पर आफत बनकर ओलावृष्टि हुई। शनिवार को मौसम में आए बदलाव ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शनिवार को दतिया तहसील क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक ग्रामों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों में नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि ने ग्रामों सलैया पमार एवं उदगुआ में कुछ खेतों में चल रही कई भेड़ बकरियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची हमारी टीम ने यह नज़ारा मौके पर जाकर देखा, जहां पलोथर गांव कश्मीर की तरह नजर आ रहा था। आपको बता दें कि यह कश्मीर नहीं, यह दतिया जिले का पलोथर गांव है, जहां इस तरह ओलावृष्टि हुई, चारों तरफ कश्मीर जैसी माहौल देखने को मिला। तो वहीं लोगों ने यहां पर मौके पर पहुंचकर सेल्फियां ली, जिसका यह दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां चारों तरफ बर्फ़ के गोले नजर आ रहे हैं। यह बर्फ़ के गोले ओलावृष्टि से हुई बारिश से बन गए हैं। साथ ही किसानों की खेतों में रखी कटी हुई फसल भी बारिश के कारण नदी नालों में तैरती नजर आई। यहां रिपोर्टिंग करने पहुंची हमारी टीम ने किसानों से जानकारी ली तो किसानों ने बताया कि वह अपनी फसलों को काटकर खेत में इकट्ठा कर रहे थे, तभी अचानक से तेज बारिश आने लगी। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे किसान अपनी फसलों को मौके पर छोड़ अपने आप को बचाने के लिए गांव की तरफ भागे। तो इसी दौरान इस तरह ओलावृष्टि हुई, पूरा पलोथर गांव कश्मीर में तब्दील हो गया। देखते ही देखते लोगों का जमावड़ा लग गया। लोगों ने देखा कि यह किस तरह ओलावृष्टि हुई है। तभी हमारी टीम ने रिपोर्टिंग के दौरान किसानों से बात की। किसानों ने बताया कि हमारी फसलों में 100% नुकसान, हमारी फसलें कटी हुई रखी थी और एक या दो दिन के अंदर अपने घर अनाज को ले जा सकते थे, लेकिन आफत की बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आपको बता दें कि लगातार किसान मेहनत कर अपनी फसलों को किस तरह उगाते हैं, उसके बाद इस तरह की आफत की ओलावृष्टि से किसानों की पूरी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। लगातार शादियों का माहौल आ रहा है, शादियों को लेकर किसान भी चिंतित है। किसानों के घर में शादी भी है, किसान किस तरह अपने परिवार की शादियां करेंगे, यह तो अब सरकार के हाथ में है। अब किसानों का मानना है कि उनकी फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा किसान को कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, यह उम्मीद सरकार से किसान लगा कर बैठे हैं। किसानों ने मीडिया से भी अपील की कि वह सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएं, जिससे कि समय पर हमें मुआवजा मिल सके और हमारे परिवार में जो शादी विवाह के उत्सव कार्यक्रम हैं, उनमें हम अच्छे से अपना कार्यक्रम कर सकें। आपको बता दें कि जब मौके पर टीम ने यह नज़ारा देखा तो नज़ारा देखते ही टीम भी हक्का हक्का रह गई। जहां आप खेत देख रहे हैं, वही खेत में अब खेत तालाब की तरह तब्दील हो गया है। जहां बड़ी संख्या में खेत में रखी फसल तालाब में तैरती नजर आ रही है, जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो वहीं किसानों की चिंता साफ देखी जा सकती है कि किस तरह किसानों की फसलों में नुकसान हुआ है और किसान किस तरह चिंतित हैं। तो दादा नुकसान देख जो तुम घर गए, लेकिन बहुत नुकसान है। देखो जी आ गई, एक जगह आ गई।